रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन मुलाजिमा की हलाकत का केस, निगरान वजीर बराए इंसानी हुकूक उमर सोमरो और सिंध पुलिस आमने सामने आ गए। निगरान वजीर कानून सिंध उमर सोमरो का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा महकमे सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। पंजाब से टेस्ट करवाए तो डीएनए मैच हो गया। दूसरी जानब एसपी खैरपुर समीउल्लाह सोमरो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ जिंसी ज्यादती की तस्दीक हुई थी। लाहौर और कराची फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स में डीएनए मैच नहीं हुए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज के नुमाइंदे हसन चांडियो। जी हसन, बताइएगा इस मामले के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि रानीपुर में पीर की हवेली में तशद के बाद जो कत्ल होने वाली मासूम बच्ची फातिमा की हलाकत का मामला है। निगरान वजीर कानून उमर सुमरों ने नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पीर की हवेली में काम करने वाली फातिमा कत्ल केस में खैरपुर गए थे, पीर के डीएनए मैच नहीं हो रहे थे, महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से तालुकात के बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे, पंजाब से टेस्ट करवाने के बाद मुलजम के डीएनए मैच हो गए। दूसरी जानब एसएसपी खैरपुर डॉक्टर समीला सुमरो ने वजीर कानून उमर सुमरो की बात से लातल्की का इजहार करते हुए कहा है कि डीएनए रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले मौसूल हुई थी, जिसमें किसी से भी जो डीएनए मैच नहीं हुआ था। वजीर कानून किस बुनियाद पर ये बात की है ये हमें पता नहीं है। बच्ची की लाश से मुखालिफ जिंस के इजा मिली है, एसएसपी खैरपुर का कहना है। जी जी शुक्रिया हसन चांडियो, आपने अपडेट किया। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।